जय राम दोस्तों एम टी करियर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि हिस्ट्री के टीचर की आवश्यकता थी अपने जाने माने जयपुर से श्री राजेंद्र जी सर आए हैं यह आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे एम टी कैरियर क्लासेज में स्वागत है सर आपका आप आपका आज... भी बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों गुड इवनिंग खम्भा घनी राम राम सा सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई जितने भी अपने मित्रगण हैं उनको एम डी करियर क्लासेज में लेके आइए और हिस्ट्री जो क्लासेज हैं उनका आनंद लीजिए तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन हिस्ट्री में मुगल वंश मुगल वंश की शुरुआत आज से हम कर रहे हैं और कंटिन्यू ये क्लासेज चलती रहेंगी जब तक आप सहयोग करते रहेंगे ठीक है मित्रों तो स्टार्ट करते हैं हम शुरुआत करते हैं भारत में मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी मुगल वंश के शासकों के नाम ये सारी जानकारी हम आपको आज देते हैं ठीक है मित्रों तो क्लास शुरू करते हैं अब मुगल वंश बोर्ड ब्लैक करते कि इसको मुगल वंश देखिए भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाला बाबर था भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाला कौन था बाबर था बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था तो देखिए भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाला जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और बाबर का अर्थ होता है मित्रों बब्बर शेर बाबर का अर्थ क्या होता है बब्बर शेर होता है तो यह तो बात हो गई कि भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाला जेरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और बाबर का अर्थ होता है बब्बर शेर अब बात करते हैं कि बाबर कौन था कहां से आया था का राजा था और भारत में वो किस तरह से आया था ये सारी जानकारी हम अब पढ़ते हैं तो देखिए बाबर का जीवन परिचय बाबर का जीवन परिचय ये तो समझ में आ गया होगा कि भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाला बाबर था और बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और बाबर का अर्थ होता है बाबर का जो सही मायने में अर्थ निकल के आता है वो होता है बब्बर शेर तो देखिए बाबर का जीवन परिचय बाबर का जन्म हुआ था चौदह फरवरी बाबर का जन्म हुआ था चौदह फरवरी चौदाह सौ ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ था जो आप मनाते हैं वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन डे को तो कोई भूल भी नहीं सकता क्योंकि सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है या मनाते हैं यूथ वैलेंटाइन डे तो बाबर का जन्म भी हुआ था 14 फरवरी चौदह ईस्वी को कहाँ पे हुआ था फारस फारस की एक छोटी सी रियासत थी जिसका नाम था फरगना बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी चौदह ईस्वी को फारस की एक छोटी सी रियासत फरगना के अंदर हुआ था वर्तमान में फारस को ईरान कहा जाता है जिसकी राजधानी तेहरान है तो देखिए बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी चौदह ईस्वी को फारस की एक छोटी सी रियासत फरगना के अंदर बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था माता का नाम छोटा सा ही था कुतलुग कुतलुगे निगार खानम बेगम ये बाबर की माता का नाम था बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा माता का नाम था कुतलुग निगार खानम बेगम और दादी का नाम था एहसान दौलत खान ये दादी का नाम था देखिए मित्रों हम में तो एक ही जाति का खून होता है बाबर में दो जातियों के खून का मिश्रण था तो ताकतवर तो होगा हो ही होगा और उस जमाने में श्रेष्ठ जातियां थी एक तो थी तुर्क यानी कि बाबर पिता उमर शेख की ओर से तैमूरलंग तैमूरलंग तुर्क का पांचवा वंशज था और माता की ओर से चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे हम आगे चलें माता की ओर से मंगोल खान यानी मंगोल मंगोल चंगेज खान चंगेज खान का चौदवा वंशज था देखिए पिता की ओर से तैमूर लंग तुर्क का पांचवा वंशज और माता की ओर से चंगेज खान जो मंगोल था उसका चौदवा वंशज था इसलिए बाबर के रक्त में दो जातियों के खून का मिश्रण था बाबर के पिता की उमर शेख की उमर शेख मिर्जा की मृत्यु चौदह सौ चौरानवे ईस्वी में हो गई थी यानी बाबर के पिता जो उमर शेख मिर्जा थे वो चौदह सौ ईस्वी में, में यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और चौदह सौ ईस्वी में ही चौदह सौ ईस्वी में ही बाबर फरगना का शासक बना था देखिए जब बाबर के पिता मिर्जा उमर शेख की मृत्यु हुई थी उस समय बाबर की उम्र थी मात्र 11 साल यानी कि बाबर 11 वर्ष की अवस्था में 11 वर्ष की अवस्था में बाबर फरगना का शासक बना था तो एक बार फिर देखिए आप हमारा जो टॉपिक है वो है मुगल वंश और मुगल वंश का जो संस्थापक है वो है बाबर बाबर का पूरा नाम ज़ेरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और बाबर का अर्थ होता है बब्बर शेर बाबर का जीवन परिचय देखिए बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी चौदह सौ ईस्वी को फारस की एक छोटी सी रियासत थी जिसका नाम था फरगना फरगना में बाबर का जन्म हुआ था बाबर के पिता का नाम मिर्जा यानी कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था माता का नाम कुतलुग निगार खानम बेगम था और दादी का नाम एहसान दौलत खान था बाबर पिता उमर शेख मिर्जा की ओर से तैमूर लंग तुर्क का पांचवा वंशज था और माता की ओर से कुतलुग निगार खानम बेगम की ओर से मंगोल चंगेज खान का चौदहवा वंशज था बाबर के रक्त में दो जातियों के खून का मिश्रण था बाबर ताकतवर था देखिए चौदह ईस्वी में बाबर के पिता मिर्जा यानी कि उम्र से एक मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई थी और चौदह ईस्वी में, में ही बाबर 11 वर्ष की अवस्था में फरगना का शासक बना था बाबर ने पहली विजय चौदह ईस्वी में यानी कि चौदह सौ फोर्टीन नाइन्टी सेवन ईस्वी में समरकंद को जीता था बाबर की पहली विजय मानी जाती है समरकंद जिसको बाबर ने चौदह सौ ईस्वी में जीता था और 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल को जीता था काबुल को वर्तमान में अफगानिस्तान कहा जाता है पहले काबुल कहा जाता था और अब क्या कहा जाता है अफगानिस्तान तो 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल को जीता था और 1507 सो ईस्वी में 1507 सो ईस्वी में बावर ने क्या किया था बावर का कुल और गोत्र जो शाखा थी वो शाखा का नाम था चगताई शाखा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है चगताई शाखा चगताई शाखा या जो कबीला था बावर का उसे कहा जाता था चगताई कबीला तो बावर ने क्या किया 1507 सो ईस्वी में चगताई कबेले को यानी चगताई जो कबीला था उसको हटा करके जो उपाधि धारण की थी क्योंकि पहले उमर से एक मिर्जा चगताई लगाता था बाबर का पिता और बाबर ने इस उपाधि को समाप्त करके एक नई उपाधि धारण की थी वो उपाधि थी पादशाही की उपाधि पादशाई या बादशाही की उपाधि तो चगताई को हटा करके बाबर ने 1507 सो ईस्वी में एक नई उपाधि धारण की थी और उस उपाधि का नाम था पादशाह या बादशाह की उपाधि तो आप एक बार फिर देखिए चौदह सौ ईस्वी में बाबर की जो पहली विजय मानी जाती है वो मानी जाती है समरकंद 1504 में बाबर ने काबुल को विजय किया था और 1507 में एक उपाधि धारण की थी और वो उपाधि थी पादशाही की उपाधि और चगताई को समाप्त कर दिया गया था अब आप देखिए जब बाबर ने काबुल को जीता था तो फरगना निकल गया था और फरगना को फिर से लेने के लिए गया तो काबुल हाथ से निकल गया था देसी भाषा में कहते हैं कि बाबुल यानी कि बाबर के हाथ में ना फरगना बचा था और ना ही यानी कि काबुल बचा था अब आप देखिए बाबर की तहे दिल से इच्छा थी कि वो भारत पर अधिकार करें लेकिन हम युद्ध पढ़ते रहते हैं कि बाबर ने भारत में पानीपत के फर्स्ट युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी लेकिन इससे पहले भी बाबर ने भारत पर चार बार आक्रमण किए थे कितने बार आक्रमण किए थे चार बार आक्रमण किए थे देखिए बाबर ने 1500 बाबर ने 1519 सो ईस्वी में यूसुफ जाई जाति यूसुफजाई जाति को पराजित किया था यह 1519 ईसवी ईस्वी में बाबर ने यूसुफजाई जाति को पराजित किया था और हम कहते हैं कि भारत में बाबर ने पानीपत के फर्स्ट युद्ध में इक्कीस अप्रैल पंद्रह ईस्वी को जो लड़ा गया था पानीपत का युद्ध उसमें पहली बार अपने सफल तोपख खाने का प्रयोग किया था लेकिन बाबर ने सबसे पहले 1519 सौ ईस्वी में यूसुफजाई जाति के ऊपर अपना पहला तोपखाना चलाया था या गोला बारूद का प्रयोग किया गया था उत्तरी भारत में अगर हम बात करते हैं उत्तरी भारत में तोपखाने का प्रयोग करने वाला बाबर था और दक्षिण भारत में पुर्तगालियों के द्वारा तोपख खाने का प्रयोग किया गया था तो देखिए बाबर ने पहली बार जो तोप खाने का प्रयोग किया था वो किया था यूसुफ़ यूसुफाई जाति के, के विरुद्ध जो किया था 1519 ईस्वी में दूसरी बार आक्रमण भी बाबर ने इसी जाति के विरुद्ध किया था यानी कि 1519 में ही किया था और वो भी आक्रमण यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध ही किया था कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कई बार नहीं पूछते हैं क्योंकि बावर के वैसे देखे जाए तो चार युद्धों को ही वरीयता दी गई है लेकिन मैं अगर आप आर एस आई एस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनमें ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ तो दूसरा आक्रमण भी यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था तीसरा आक्रमण किया था उन्नीस यानी कि पंद्रह ईस्वी में तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में किया था वो किया था भेरा श्यालकोट और कंधार के किले पर यानी कंधार को जीता गया था यह तीसरा आक्रमण था बाबर का पानीपत के युद्ध से पहले और चौथा आक्रमण चौथा आक्रमण किया गया था 1520 ईसवी ईस्वी में ही किया गया था कंधार के अभेद किले पर करधार के अभेद किले को जीता गया था तो ये चार युद्ध है ये कोई खास महत्व के भी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले बावर ने चार बार भारत पर क्या किया था आक्रमण किया था और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और ये आता रहता है कई बार पूछ लिया गया है कि 1519 सौ ईस्वी में बाबर ने यूसुफ जा, जाई जाति के विरुद्ध पहली बार अपने तोफ खाने का क्या किया था प्रयोग किया था अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत में खाने का प्रयोग करने वाले कौन थे तो वो थे पुर्तगाली और उत्तर भारत में तोपखाने का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था वो कौन था बाबर था जिसने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के फर्स्ट युद्ध में खाने का प्रयोग किया था तो देखिए आगे देखिए अब बात करते हैं हम बाबर की कि बाबर अपने साथ साथ में यानी कि क्या क्या चीज यानी बाबर ने क्या क्या चीजें किस किस से चलाना सीखा था तो आप देखिए बाबर 21 अप्रैल 1526 ये बाबर का भारत में यानी कि निर्णायक युद्ध माना जाता है यह युद्ध था पानीपत का पानीपत का फर्स्ट युद्ध जो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बावर के मध्य लड़ा गया था देखिए इक्कीस अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ा गया था दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में लड़ा गया था इस युद्ध से पहले देखिए बाबर जो अपने साथ में लेके आया था वो लेके आया था एक तो तुलगुमा पद्धति तुलगुमा पद्धति और ये तुलगुमा पद्धति बाबर ने सीखी थी उजे वेग जाति से तुलगुमा पद्धति जो बाबर ने सीखी थी वो सीखी थी उज़े मेघ यानी उज़े बेग जाति के द्वारा सीखी गई थी ये तुलगुमा पद्धति अब बात करते हैं मित्रों तुलगुमा पद्धति होती क्या है देखिए पहले क्या होता था हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो युद्ध लड़ते थे आमने सामने से पहले जो लड़ाइयाँ लड़ते थे युद्ध होते थे आमने सामने से घुड़सवार घुड़सवार से लड़ेगा तलवारवाज है वो तलवारवाज से लेगा ले भाला वाला है वो भालेवाड़े से लड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ धर्मयुद्ध होता था अगर किसी दुश्मन पे भी अस्त्र नहीं है या शस्त्र नहीं तो उसे सामने वाला अस्त्र शस्त्र देता था और इसके बाद में उससे युद्ध लड़ता था भागते हुए पर युद्ध या भागते हुए का पीछा नहीं किया जाता था हमारे यहाँ राजपूतों की सबसे बड़ी परंपरा थी बाबर की जो तुलगुमा पद्धति थी वो जो उजय जाति से सीखी गई थी इसमें यह था कि अपनी सेना का चार भागों में विभाजन करना तुलगुमा पद्धति का मतलब ही क्या था अपनी सेना का चार भागों में विभाजन करना और बीच में क्या रखना था रिजर्व सेना रिजर्व सेना और इस सेना का निरीक्षण स्वयं बावर करता था यानी दुश्मन को चारों ओर से घेर करके उस पर क्या करना था आक्रमण करना था जिससे दुश्मन को बचने का कोई भी मौका नहीं मिल सके अगर हमारी सेना जीत रही है तो हमारी रिजर्व सेना जिसमें दस हज़ार सेना रखी जाती थी उसको हारे हुए सैनिकों पर फिर से छोड़ दिया जाता था आक्रमण करवा दिया जाता था जिससे घायल सैनिक नए फ्रेश सैनिकों के सामने अपना यानी कि आत्मसमर्पण कर देते थे अगर हमारी सेना हार रही है तो दस हजार सेना को लेकर के पलायन कर जाना क्योंकि वैसे भी कहावत है कि जान है तो जहान है जब तक जीवन है तब तक क्या है कि युद्ध लड़ते रहेंगे और वैसे भी कहते हैं लव एंड बार युद्ध और मोहब्बत में सब कुछ जायज है देखिए तुलगुमा पद्धति बावर ने उजेबेग जाति से सीखी थी काश हमारे शासक काश भारतीय शासक ये सोच लेते जान है तो जहान है यानी कि युद्ध जीते जी ही जीता जाता है मर करके नहीं जीता जाता काश हमारे भारतीय शासक इस बात को जान लेते तो हमारे देश में ना तो कोई मुगल होते ना तुर्क होते देखिए युद्ध को जीते जी ही लड़ा जाता है अगर युद्ध में मर गए तो फिर युद्ध किसके साथ लड़ा जाएगा क्योंकि अगर जीवन है तो युद्ध वापिस भी लड़ा जा सकता है आप देखिए तुलगुमा पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था तुलगुमा पद्धति उजेवेग जाति के द्वारा या उजेवेग जाति से सीखी थी इसका अर्थ होता है अपनी सेना का चार भागों में विभाजन करना बीच में रिजर्व सेना रखना और रिजर्व सेना में बाबर शोम बैठता था जिसमें दस हजार के समथिंग टुकड़ी होती थी सेना की दूसरी जो पद्धति थी बाबर लेके आया था वो थी अपना सफल तोपखाना सफल तोपखाना देखिए बाबर ने तोपखाना या बारूद का जो कार्य सीखा था वो सीखा था कुतुन तुनिया कुस्तुन तुनिया के तुर्कों से बाबर ने तोपे चलाना या बारूद का प्रयोग करना सीखा था कुस्तुन तुनिया के तुर्कों से सीखा था बाबर ने बंदूक चलाना बाबर ने बंदूक चलाना सीखा था ईरानियों से बाबर ने बंदूक चलाना सीखा था ईरानियों से और तेज रिसेल तेज रिसेल घुड़सवारी करना तेज रिसेल घुड़सवारी करना सीखा था वो सीखा था तुर्कों से तो बाबर अपने साथ में ये कई युद्ध नीतियां लेकर के आया था तो एक बार फिर से देखिए आप देखिए एक बार फिर से देखिए भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाला बाबर था और बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था बाबर का अर्थ होता है बब्बर शेर और वैसे भी कहते हैं बाबर के रक्त में दो जातियों के खून का मिश्रण था पिता उमर शेख मिर्जा की ओर से तैमूर लंग तुर्क का पाचा वंशज था और माता कुतलुग निगार खानम बेगम की ओर से मंगोल चंगेज खान का चौदवा वंशज था दादी का नाम इनका एहसान दौलत खान था वैसे भी कहते हैं बावर इतना ताकतवर था कि चौहत्तर घंटे घुड़सवारी आराम से कर सकता था बावर इतना सौष्टव और मजबूत था कि चौहत्तर घंटे बगैर उतरे घुड़सवारी कर सकता था दूसरी बात ऐसा कहते हैं दो मुष्टे आदमियों को अपनी काखों की यानी कि अपने काख में दवा करके या बाजुओं में दवा करके ढाई किलोमीटर तक किले की दीवार पर दौड़ सकता था तो बाबर में एक सैनिक के और एक वीर योद्धा के गुण शुरू से ही भरे हुए थे देखिए बाबर का जीवन परिचय की अगर हम बात करते हैं तो बाबर का जन्म 14 फरवरी यानी 14 फरवरी चौदह ईस्वी को फरगना यानी फारस की एक छोटी सी रियासत थी फरगना फरगना के अंदर हुआ था और 14 फरवरी का दिन आपको आराम से पता है क्योंकि वैलेंटाइन डे मनाते हैं हमारे भारत में दूसरी बात बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा माता का नाम तुगलुक निगार खानम बेगम था दादी का नाम एहसान दौलत खान था बाबर के पिता मिर्जा उमर शेख की मृत्यु चौदह सौ चौरानवे ईस्वी में हुई थी अब आप कहते हैं और सुनने में आता है कि भारत में मुगल वंश का पहला शासक कौन था जो सबसे कम उम्र का शासक बना था वो बताते हैं अकबर था तेरह साल और चार माह के समथिंग बताते हैं लेकिन वो भारत की बात है यानी कि अकबर भारत का शासक बना था तेरह साल की उम्र में जबकि हम बात करते हैं बाबर की बाबर फरगना का शासक बना था यानी कि ग्यारह वर्ष की अवस्था में बाबर की पहली विजय मानी जाती है समरकंद और ये तैमूरलंग की राजधानी मानी जाती थी जब तैमूर लंग के बारे में बाबर को पता चला और उसके बारे में सुना तो सबसे पहले इसने तैमूरलंग की ही भांति समरकंद को चुना था और तैमूरलंग के जीवन परिचय से प्रभावित होकर के ही बाबर ने भारत की ओर क्या किया था आक्रमण करने का रुख दिया था तो देखिए 11 वर्ष की अवस्था में ये समरकंद यानी कि फरगना का शासक बना था चौदह सौ ईस्वी में समरकंद को जीता था बावर की पहली विजय थी 1504 ईस्वी में काबुल को विजय किया था और 1507 ईस्वी में चगताई शाखा को या चगताई वंश को समाप्त करके बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी किसके द्वारा बावर के द्वारा पानीपत के फर्स्ट युद्ध से पहले बावर ने भारत पर चार बार आक्रमण किए थे 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध 1519 में इसी जाति के विरुद्ध 1520 में भेरार स्यालकोट और कंधार को जीता था और 1520 से 24 के मध्य में 1520 से और 24 के मध्य में बावर ने कंधार के अवैध दुर्ग को जीता था तो ये बावर की भारत में यानी कि पानीपत के फर्स्ट युद्ध से पहले क्या थी ये ये विजय थी और इसके बाद में लास्ट युद्ध था यानी कि जो भारत को जीतने वाला वो पांचवा युद्ध था वो था पानीपत का फर्स्ट युद्ध तो आप देखिए एक बार पानीपत का फर्स्ट युद्ध इक्कीस अप्रैल पंद्रह सौ छब्बीस ऐसा कहते हैं बाबर बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है आत्मकथा जो व्यक्ति स्वयं इंसान अपने बारे में लिखता है अपने हाथों से वो कहलाती है आत्मकथा जो व्यक्ति हमारे बारे में दूसरा लिखता है उसे कहा जाता है जीवनी तो आत्मकथा जो बाबर ने लिखी है जिसका नाम है बाबरनामा ये मुगल वंश का पहला ग्रंथ है या पहली रचना है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है बाबरनामा मुगल वंश का पहला यानी कि ग्रंथ है पहला ग्रंथ पहला ग्रंथ है जो तुर्की भाषा में लिखा गया है बाद के जितने भी ग्रंथ मुगल काल में जिनकी रचना हुई है वो सब फारसी भाषा में लिखे गए थे क्योंकि मुगलों की राष्ट्रीय जो राज्य भाषा थी वो कौन सी थी फारसी थी तो बाबरनामा जो आत्मकथा है बावर की जिसे तुजू के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है बावर कहता है कि भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजने वाला बाबरनामा के अकॉर्डिंग अब कहा है या नहीं कहा है लेकिन बाबरनामा में बाबर कहता है कि भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजने वाला यानी कि चित्तौड़ का शासक राणा सांगा था बाबर ने स्वं बाबरनामा में इस बात का जिक्र किया है कि और उसने कहा है कि जब मैं जब मैं दिल्ली पर आक्रमण करूंगा तो वो आगरे पर आक्रमण कर देगा लेकिन वो काफिर नहीं आया और इसका रीजन हम आपको आगे बताएंगे और काफिर शब्द जो बोला गया है बावर ने वो बोला था राणा सांगा के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध से पहले आलम खान लोधी आलम खान लोधी और बहलोल लोधी आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी ऐसा कहते हैं दौलत खान लोधी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी कौन था पंजाब का सूबेदार और आलम खान लोधी ये इब्राहिम लोधी का रिश्तेदार था इब्राहिम लोधी का रिश्तेदार था ऐसा कहते हैं कि इन दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था और बाबर इन दोनों का निमंत्रण पाकर के भारत की ओर या तौर से दिल्ली पर आक्रमण किया था तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था ये क्वेश्चन की डेट कई बार पूछते हैं और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया भी गया है तो देखिए पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था पानीपत कहां पड़ता है हरियाणा में वर्तमान में कहां पे है हरियाणा के अंदर है और पानीपत का युद्ध लड़ा गया था इक्कीस अप्रैल 1526 को दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी, दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में लड़ा गया था बाबर के मध्य में लड़ा गया था इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी बाबर की विजय और बाबर की विजय का जो मुख्य कारण था वो था तोपखाना और तुलगुमा पद्धति जो अभी हमने आपको जिक्र किया है तुलगुमा पद्धति इब्राहिम लोधी दिल्ली का पहला सुल्तान था इब्राहिम लोधी दिल्ली का पहला सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया इब्राहिम लोधी दिल्ली का पहला सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया इससे पहले कोई भी सुल्तान दिल्ली का युद्ध के अंदर नहीं मारा गया था इब्राहिम लोधी का जो मकबरा है वो पानीपत में ही बनाया गया है आप देखिए भारत में बाबर ने युद्ध जीतने के बाद बादशाह या सम्राट सम्राट की उपाधि धारण की और भारत में मुगल वंश की स्थापना की भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाला बावर था जिसने सुल्तान की उपाधि को समाप्त करके सुल्तान की उपाधि को समाप्त करके बादशाह या सम्राट की उपाधि धारण की और ऐसा कहते हैं ये युद्ध जीतने के बाद पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी कलंदर की कलंदर की उपाधि धारण की थी कलंदर का मतलब होता है दानवीर और ऐसा कहते हैं पानीपत के फर्स्ट युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने प्रत्येक काबुलवासी को प्रत्येक काबुलवासी को एक एक चांदी का रुपया दिया था और ऐसा कहते हैं काबुल वासियों ने ही बाबर को कलंदर की उपाधि धारण की थी कलंदर का मतलब होता है दानवीर ठीक है दोस्तों बाकी का कंटिन्यू हम कल करते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा लाइव में आइए क्लास अटेंड करिए और मैं चाहता हूं कि ये क्लासे आपकी आर एस आई एस फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड जितनी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट क्लासेज हैं और आपको जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा वो सारा ऑथेंटिक होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ज्वाइन करिए और अपने मित्र साथीगणों को साथ में लेकर के आइए